हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेबी की नाभि के बारे में। बेबी की नाभि की देखभाल कैसे की जाए, बेबी की नाभि कितने दिन में ठीक होती है, जो स्टंप होती है वो कितने दिन में गिरती है, और बेबी की नाभि में तेल डालना सही है या नहीं सही है, क्या किया जाए कि बेबी की नाभि में इन्फेक्शन ना हो, बेबी की नाभि को कैसे क्लीन करें और क्या किया जाए कि बेबी की नाभि जल्दी से अच्छी हो जाए, आज हम बात करने वाले इसी टॉपिक पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो एक नई माँ होती है वो इन सभी बातों से अनजान होती है और उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेबी की नाभि की देखभाल कैसे की जाए। जब बेबी पेट में होता है तो उसी गर्भ नाल के द्वारा ही सारे जो भी पोषक तत्व होते हैं वो सब बेबी को उसी से ही पहुँचते हैं, और बेबी के बर्थ के बाद वो गर्भ नाल 3-4 इंच छोड़कर और बाकी काट दी जाती है, उसमें पिन लगा दी जाती है। अब उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो कार्ड होती है, जो स्टंप होता है, वो अपने आप सूख जाता है। उसके लिए बस आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए। आप बेबी की नाभि को बार बार अपने हाथ से मत छुइए, इससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। हो सके तो जब तक बेबी की नाभि ठीक ना हो जाए तब तक आप उसको डायपर मत पहनाइए, क्योंकि आप उसको डायपर पहनाएंगे तो हो सकता है उसको रगड़ लगे। मेरे खुद के बच्चे और जो घर में और बच्चे हैं उनको भी हम लोगों ने, जब तक उनकी नाभि बिल्कुल ठीक नहीं हो गई थी, उसके स्टंप गिर नहीं गई थी, तब तक हम लोगों ने अपने बच्चों को डायपर नहीं पहनाया था। डायपर से उसमें रगड़ लग सकती है और ब्लड भी निकल सकता है, इसलिए हो सके तो आप डायपर नहीं पहनाएं। और कपड़े भी आप ऐसे पहनाइए जो आरामदेह हो, जिससे बेबी की नाभि पर रगड़ ना लगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर्रा ना हो या उसमें धागा ऐसा ना हो जो बेबी की नाभि में फंस जाए, इसका आप ध्यान रखिए। और बेबी की नाभि जब तक सही ना हो जाए तब तक आप उसमें तेल मत डालिए, क्योंकि तेल डालने से उसमें धूल गर्दा चिपकने का डर रहता है और उससे इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है। इसलिए जब तक नाभि सही ना हो जाए बिल्कुल भी तेल मत डालिए। अब इसमें क्या लगाया जाए कि बेबी की नाभि जल्दी से सूख जाए, जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। डायपर ना लगाओ तब भी बहुत दिक्कत होती है उस टाइम में, और डायपर लगाने में भी डर लगता है कि कहीं वो, क्योंकि उसमें क्लिप लगी हुई होती है, अगर वो क्लिप ज़रा से भी खींच गई तो बच्चे को दर्द होगा और ब्लड निकलने का भी ख़तरा रहता है। मैंने जो अपने बच्चों को जो नाभि पे लगाया था, या घर में जो और बच्चे हैं जिनको लगाया गया था, वही मैं बता रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने स्प्रिट उस पर डाला था जो कि डॉक्टर ने बताया था, और सुबह और शाम 2 टाइम स्प्रिट जो है हम लोग कॉटन में लेकर और दूर से ही उसको टपका देते थे, और सुबह और शाम 2 टाइम ऐसा करते थे। अभी के चारों तरफ आप स्प्रिट को अच्छे से टपका दीजिए दूर से ही, इससे जो है वो जल्दी से सूख भी जाएगा और कुछ धूल गर्दा भी नहीं उस पर चिपकने पाएगा, क्योंकि स्प्रिट तुरंत थोड़ी देर बाद अपने आप उड़ जाती है और इससे इन्फेक्शन भी नहीं होता है। हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ ऐसा ही किया था और हमारे घर में सभी बच्चों की लगभग 7 से 8 दिन के अंदर अपने आप नाभि सूख के और स्टंप का गिर गया था। और जब नाभि सूख जाए, उसके स्टंप गिर जाए, तो आप 1 हफ्ते तक कैंडिड पाउडर आता है जो कि हम लोगों को डॉक्टर ने बताया था, हम लोगों ने अपने बच्चों को वही लगाया कि अगर नाभि गिरने के बाद उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत हो तो वो एकदम से सुखा देगा, सही कर देगा। आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, जो आपके डॉक्टर बताएं आप वो वाला भी पाउडर ले सकते हैं। वैसे कैंडिड पाउडर भी बहुत अच्छा होता है, हम लोगों ने अपने बच्चों को लगाया, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ और बहुत जल्दी उससे नाभि सूख गई। फिर उसके बाद जब एकदम सही हो जाए आप उसको रोज़ अच्छे से क्लीन करिए, तब आप हल्का गुनगुना पानी लें और एक कॉटन के एकदम साफ कपड़े को उसमें डिप करके उसी से रोज़ अपने बेबी की नाभि ज़रूर क्लीन कर दिया करिए कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए उसमें, क्योंकि वो ऐसी जगह उसमें धूल गर्दा इकट्ठा हो जाता है, तो जब आप रोज़ क्लीन करेंगे इस तरह से तो उसमें धूल गर्दा नहीं इकट्ठा होगा और बेबी की नाभि एकदम क्लीन रहेगी, उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद बेल पे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँच जाए। थैंक